देख लो वसेपुर इधर ही है थोड़ा सा आगे, जहाँ पे सुल्तान मिर्जा पेलता था सबको। हमें कोलकाता से स्टार्ट होती है और इवन पाकिस्तान तक जाती है ये रोड। बिहार में हो और आप भोजपुरी गाना ना सुने तो हम तो कहता है इस मनुष्य तन में जीवन लेना ही व्यर्थ है। सासाराम क्रॉस करने के बाद भभुआ या कुछ है एक डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे फंसे हुए बुरी तरह NH1 पे। दिस सिटी इज बनारस काशी। बनारस का फेमस 80 घाट ये श्री काशी विश्वनाथ धाम। 3.6 कुछ नहीं रहा जितना सोचे थे कि मोदी के संसदीय क्षेत्र में होगा। क्या काम धंधा हो रहा है मोदी जी जाने, लेकिन मजा नहीं आया। So good morning guys, this is day 4 and we have started our journey to Shimla and अभी आप देख सकते हैं ये धनबाद में है जो कि हमारे होम टाउन से, मैं गिरिडीह से हूँ तो ये मेरे होम टाउन से कुछ 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ अपने फ्रेंड को ड्रॉप करना था और हम उनको यहाँ ड्रॉप करके खाना खा के पैक करवा के वापस निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो यहाँ पे कोयल माइंस है उसका जो निकलता है अंदर से वेस्टेज सब पड़ा हुआ है। बस ये पूरा धनबाद का इलाका एक्सटीरियर है, आपको मैं दिखाता हूँ राइट साइड। ये देखो आप, ये जो कोलवरी का पूरा पोर्शन होता है ना, अब इधर से देखो राइट साइड दूर दिख रहा होगा पहाड़ की तरह, इसलिए पहाड़ नहीं है ये वेस्टेज है कोलवरी का। आप देख सकते हैं, एक मिनट दिखाता हूँ, ये सामने देख लो वसेपुर इधर ही है थोड़ा सा आगे, जहाँ पे सुल्तान मिर्जा पेलता था सबको, धुआं धुआं कर देता था। देख रहे हैं, देखिए धुआं अभी भी हो रहा है उधर। नहीं नहीं नहीं, वो कोयला कोलवरी का जलता है ना, उसको ये बनाया जाता है, वो कुछ उसको एक बार जलाया जाता है चारकोल ये बनाने के लिए। देख रहे हैं पूरा का पूरा जो दिख रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वो कोलवरी का है। यहाँ पे कोल माइंस जो है उससे जो पत्थर निकलता है वेस्टेज, क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग में पत्थर होता है, अंदर जाने के बाद कोयला होता है। बहुत सारा उसका है, उतने तो ज्ञान नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप समझ लो ये है पूरा एक्सटीरियर धनबाद का और वसेपुर जो भी आप बोल लो, थोड़ा सा आगे का एरिया जो है वसेपुर है। और रोड काफ़ी अच्छा है, आपको वीडियो में पता चल ही रहा होगा, इधर भी देख लो आप। तो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम धनबाद एंड द नेक्स्ट स्टॉपेज विल बी समवेयर नियर वाराणसी बनारस या फिर प्रयागराज। जाने का प्लान था लखनऊ बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल बिकॉज इट विल टेक मोर देन अराउंड 17 आवर्स, जो कि हमारे पास टाइम है नहीं। अभी ऑलरेडी 11 बजने वाला है, 10:46 हो चुका है। एक बेहुदा आदमी था रोड पे, गाड़ी का मुंह निकाला हुआ था, बेवकूफ साला। एनीवेज, सो स्टे कनेक्टेड और वीडियो देखें, सब्सक्राइब भी करें, नहीं तो ये बन जाएंगे क्या उसको बोलते हैं सरदार खान, धुआं धुआं कर देंगे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। अभी के बज चुके हैं, टाइम हो चुका है 10:30। धनबाद से हम लोग निकल चुके हैं और एक इसको ज़रा निकल जाने दीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा जोश में है, एक और चच्चा जोश में। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि निकल चुके हैं धनबाद से हम और एक थोड़ा सा आगे आके जंगल, एक बड़ा सुंदर सा जंगल था। झारखंड है तो हर जगह ही जंगल है और काफ़ी सुंदर भी है। ये देखिए अभी 10 किलोमीटर आएंगे ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन देखिए अपना धनबाद अपना पहचान छोड़ दिया है। ये जो डस्ट दिख रहे हैं ब्लैक डस्ट, लेकिन इस डस्ट से हमें प्यार है क्योंकि हम तो यहीं के हैं। इस लड़का को हो सकता नहीं होगा क्योंकि ये उड़ीसा का है, लेकिन हमें तो है। ये रास्ता कितना अच्छा है, देखिए इधर से हम लोग आए अभी और अभी आगे बढ़ेंगे जीटी रोड में जाके टच करेंगे, जो हमें सीधा दिल्ली तक ऑलमोस्ट ले जाएगी। यस तो गाइस, नाउ वी आर ऑन नेशनल हाईवे 1। जी हाँ, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, जीटी रोड, सबसे पहला नेशनल हाईवे इंडिया का इसी को दिया गया। इसे बनाया गया था बहुत पुराना, एग्जैक्टली मैं ईयर्स नहीं बता लेकिन मुझे शेर शाह सूरी ने बनाया था इसे। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो इसका रिपेयरिंग किया गया था और उसके बाद से ये काफ़ी एक्टिव है। इसे नेशनल हाईवे 1 NH1 के नाम से भी जाना जाता है और जीटी रोड भी, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये सीधा हमें कोलकाता से स्टार्ट होती है और इवन पाकिस्तान तक जाती है ये रोड, वहाँ भी जीटी रोड के ही नाम से जाना जाता है। ये बहुत पुरानी रोड, इसे मैंने बताया पार्टीशन से पहले का है, जब इंडिया पाकिस्तान होता नहीं था, पाकिस्तान जब सिर्फ हिंदुस्तान हुआ करता था तब का ये रोड है। ये अमृतसर होते हुए
पेशावर तक जाती है, राइट? ये इसका एंड है पेशावर तक, कलकत्ता से स्टार्ट होती है, दिल्ली क्रॉस करेगा, बाघा बॉर्डर पे भी यही रोड है जहाँ पे जो परेड होता है इंडियन आर्मी का और पाकिस्तान आर्मी का, इसी रोड पे होता है, यही क्रॉसिंग है वो ब्रिज का क्रॉस, जहाँ पे गेट है हमारा बाघा बॉर्डर, वो NH1 है, ग्रैंड ट्रंक रोड है हमारा, अटारी है, हाँ अटारी, बाघा अटारी बॉर्डर। तो चलिए इस पर राइड करवाते हैं आप, शायद पता नहीं होगा लोगों को इसलिए मैं सोचा कि इन्फॉर्मेशन। और ये इधर राइट साइड जो देख रहे हैं, लेफ्ट साइड धनबाद था जहाँ से अभी हम लोग निकले हैं और स्ट्रेट जा रहे हैं अभी, और राइट साइड जो है वो गिरिडीह है जो मेरा होम टाउन है, यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर के आसपास है। आगे एक पहाड़ भी आ रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको अगर हो पाया तो, पारसनाथ शायद वो है जो कि काफ़ी फेमस है, एक जैन टेम्पल है यहाँ पे, जितने भी हमारे जैन भाई बंधु हैं वो जानते होंगे, अशरफनाथ करके बहुत फेमस है उनका, एक पिलग्रिमेज है इंटरनेशनल, यहाँ टूरिज्म भी है। लेकिन भैया झारखंड गवर्नमेंट है, इनको करप्शन से फुर्सत मिले तब ना टूरिज्म को बढ़ावा दे, लेकिन हम देंगे, अपन देगा इसको बढ़ावा। और अभी रिटर्निंग के वक्त और भी अच्छे अच्छे प्लेसेस पे लेके जाऊंगा झारखंड का जो पॉपुलर है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। गुड आफ्टरनून गाइज, इट्स 3:00 एंड इट्स बीन मोर देन 4 आवर्स सिंस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम धनबाद, एंड अभी हम लोग हैं झारखंड में ही। ऑफ कोर्स अब देख के लग रहा होगा चारों तरफ जो वादियां हैं, जो जंगल है, झारखंड में, आगे बिहार की ओर आगे बढ़ेंगे, बिहार इन करेंगे, उसके बाद बिहार क्रॉस करने के बाद UP आएगा, उत्तर प्रदेश में सीधा हम लोग वाराणसी के पास हम लोग हिट कर रहे हैं और वहीं पर स्टे है इवनिंग में। तो आप देख लो एक बार कहाँ पर हम लोग खड़े हैं, कितना अच्छा पार्क्ड है, ये हाईवे है जो झारखंड से हमें बिहार की ओर ले जाएगी, स्ट्रेट यही जा रहा है दिल्ली तक। कितना तेज चला रहा है यार गाड़ी, काफी मजा आ रहा है एंड आगे भी आएगा। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 4 और हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लिए यहाँ पे लंच के लिए, और लंच हमने कैसे किया, खाना घर से आया था धनबाद में पैक होके, रसगुल्ला था मस्त एकदम छेना का, और भी था पूरी सब्जी। और देखिए कहाँ पे हमने खाया ये देख लो आप, बगल में गांव है, ये बिहार का एक सुंदर सा गांव है, हल वल जोता जा रहा है, एकदम मस्त सावन का माहौल है। आप भी देख लो उधर चल रहा है ट्रैकर, ये रहा अपना हाईवे इधर, ये रहा खेत, ये रही हमारी धन्नो। It's 5:30 now and we are heading towards Varanasi. ये सोन ब्रिज है, सोन को बिहार का सोख भी बोला जाता है क्योंकि एवरी ईयर 100% यहाँ बाढ़ आती है बिकॉज ऑफ दिस रिवर। तो ये इसलिए आती है क्योंकि यहाँ का जो जमीन है पूरा फ्लैट है, अगर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड जरा कैमरा में देखो, यहाँ का जमीन पूरा फ्लैट है, तो थोड़ा सा भी पानी अगर ऊपर आता है लहर सावन के महीने में तो पूरा बिहार डूब जाता है, जैसे बिहार का सोख भी बोला जाता है। बाकी ये जो ब्रिज जिसपे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये ओल्ड ब्रिज है, मतलब पुराना ब्रिज है, अभी राइट साइड जो है वो न्यू ब्रिज बनाया गया है थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि बाढ़ भी हो तो लोग ट्रैवल कर सके। तो मैप में भी अब देख रहे काफी चौड़ी नदी है, सोन नाम है इसका, सोन रिवर, तो एंजॉय कीजिए और क्या। वेल सो गुड इवनिंग गाइज, इट्स 6:22 एंड अभी हम लोग इवनिंग में फंसे हुए हैं बुरी तरह से जाम में, एक टोल प्लाजा है सासाराम के पास, पता नहीं जो बिहार के मेरे फॉलोअर्स होंगे उनको पता होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखो कितना पूरा ट्रैफिक है, पूरा रेड है, लेकिन हाँ वही टोल गेट तक है, अभी 5-10 मिनट और पहले से थे फंसे हुए, निकल चुके हैं, देखो सामने कितने ट्रक है साइड से, इसको वन वे किया हुआ है। गुड इवनिंग गाइज, अभी हम लोग टिहरी ऑन सोन क्रॉस करने के बाद सासाराम
जहाँ मैंने दिखाया था अभी सासाराम का जो ये था टोल प्लाजा, वहाँ पे भीड़ थी, हमने वो क्रॉस किया, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है मेरी, अभी छोटा सा ब्रेक लिया है, यहाँ पे ढाबा है, ओपन है, खा तो नहीं रहे हम लोग, कुछ कोरोना है, बट हाँ थोड़ा एयर वगैरह फिल करवाना था, पीछे एयर है, यहाँ पे एयर फिल करवाया है गाड़ी का, और गाड़ी पार्कड है। यहाँ से आगे निकलेंगे, ज़्यादा दूर है नहीं, अब 100 किलोमीटर है वाराणसी, यहाँ से 102 दिखा रहा है, टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, 3 आवर्स के आसपास, पता नहीं क्यों ट्रैफिक होगी शायद सिटी में, तो लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है। तो सुंदर सा गाँव है इधर इस साइड बिहार का, तो होप एवरीथिंग विल बी ओके एंड हम सब अच्छा है, मज़ा आ रहा है, बिहार में घूम रहे हैं, अपना इलाका है, तो यह लेकिन हाँ इस रूट में मैं पहली बार आया हूँ, इस हाईवे में ये स्ट्रेच जो है पूरा नया है मेरे लिए, मैं कभी आया नहीं। तो और पूरी ट्रैफिक है भाइयों, फिर से एक बार बनारस अभी भी 69-70 किलोमीटर के आसपास है, और भोजपुरी गाना चल रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है भोजपुरी गाने के साथ, बिहार में हो और आप भोजपुरी गाना ना सुने तो हम तो कहते हैं इस मनुष्य तन में जीवन लेना ही व्यर्थ है। पूरा फील लिया जा रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लगता है आगे फिर से कोई टोल गेट है, तो देखा जाए आगे क्या हाल है। हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं दूसरा रोड से जाने का, गांव के लोग इधर उधर हो जाते हैं, तो चलिए वेट करते हैं। भाइयों और बहनों अभी हम वहीं पे हैं जहाँ पहले थे, क्योंकि ट्रैफिक कट ही नहीं है, एक घंटा होने चला है, बुरी नहीं, बेंगलोर में नहीं है, सासाराम क्रॉस करने के बाद भभुआ या कुछ है एक डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे फंसे हुए बुरी तरह NH1 पे, देख रहे हो, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बस बारिश का मज़ा, अदरवाइज एक घंटा होने चला है, बुरी तरह से जाम में फंसे हैं। ये जो आगे ट्रक खड़ी है वो 4 कदम चलती है, वॉक करके फिर रुक जाती है, तो ये प्रॉब्लम है। मैं बाकी ट्रैवलर्स लोगों से भी बात किया, हमारे भाई अभी रिसेंटली ट्रैवल किए थे, अभिनव भाई किए थे कुछ दिन अभी पहले, उनका भी चैनल है यूट्यूब का इनसाइड आर डायरीज़, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग भी फेस किए थे ये इशू, तो इस रोड में है, यूपी बिहार का बॉर्डर है, आगे यूपी इन करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ बस है, बातचीत कर रहे हैं, गाना वाना बज रहा है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, तो मज़ा लीजिए आप भी, हम भी ले रहे हैं। तो गाइज ये पूरा ट्रैफिक ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का बाकी था, एक घंटे से ज़्यादा फंसे रहे हैं, अभी तक हम लोग को पहुंच जाना चाहिए था बनारस, लेकिन फंसे हुए थे, तो लोग उल्टा आ रहे थे, प्राइवेट कार्स जो थे उल्टा रोड, मतलब अपोजिट साइड से, जैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन भी कोई नहीं है, पूरी रात तो खड़ा नहीं रह सकते हैं एक ही सिग्नल पे टोल गेट से पहले, तो अभी देख सकते हैं ट्रक की कितनी लंबी लाइन है, लगभग ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर की लाइन है, तो एक जगह क्रॉस करने का था, तो हमने अपोजिट साइड क्रॉस करके थोड़ा केयरफुली चला रहे हैं, हैजार्डस लैंप ऑन करके, सो दैट कि अभी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे टोल के पास और ये कर पाएंगे। I'm not afraid to die.
बेटा हूँ चंबा चंबा का। ये जस्ट अभी हम लोग इन किए हैं यूपी, ये बॉर्डर था यहाँ पे ऑफिशियली गूगल मैप के अकॉर्डिंग। काफ़ी ट्रैफिक है चारों तरफ, इतने ट्रक्स हैं, पूरा जाम है, रोड भी देख सकते हैं तुम, बेकार सा यहाँ पे है। कोई नदी का पुल है यहाँ पे जिस पे हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं आना, सुपर हैवी व्हीकल्स 50 टन तक आ सकती है। रोड देख लो कितना घटिया है, ये ऑफ रोड का पूरा आ रहा है फील। और गाड़ी का, क्योंकि मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो टच भी हो रहा है कहीं कहीं, शायद इवनिंग में जल्दी आते तो इतनी ट्रैफिक नहीं मिली होती। अभी भी हम लोग 50 किलोमीटर दूर हैं वाराणसी से और एक्सपेक्टेड टाइम है 11 बजे, 11:17 दिखा रहा है, 11:15 तक। तो अभी बात हो रही थी हर्ष भाई से, बोले पूरा रास्ता ऐसा ही रहेगा जैसा मिल रहा है। तो अगर ऐसा रास्ता है यूपी में चारों तरफ, तब तो फिर दुबे जी का गाड़ी सही में पलटा होगा। भाइयों एवं बहनों, हर हर महादेव। हम हर हर महादेव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रात के बज चुके हैं 12:30 और हम पहुंच चुके हैं काशी यानी कि बनारस, और सामने जो छोटा सा एक फोर्ट है, जो पुराना किला है, इसके उस पार गंगा नदी है। तो अभी जस्ट गंगा नदी हम लोग पहुंचने वाले हैं, गंगा मैया को। एक बस अभी सामने जो है ब्रिज है गंगा मैया का, डजंट मैटर कौन फोर्ट देखने आया। तो गंगा मैया का जो ब्रिज है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और डेढ़ बज गए हैं रात के, 12:30 बजे सॉरी। तो प्लान था एक्चुअली जाने का आगे और प्रयागराज तक, बट लेट हो चुका है, ट्रैफिक इतनी थी पूरे रास्ते में तो रुक तो नहीं पाए, लेकिन हाँ अब यहाँ ब्रिज पे थोड़ी गाड़ी को रोकेंगे। तो ये देखिए हम लोग गंगा नदी के ब्रिज पे, गंगे रिवर के ब्रिज पे वी आर स्टैंडिंग हियर। यू कैन सी दिस सिटी इज़ बनारस काशी, ये पूरा का पूरा सिटी है, ये ब्रिज है और ये है हमारी गाड़ी जहाँ पार्क डे। अभी स्टार्टिंग है ब्रिज का, अभी इधर से हम लोग आए और देख सकते हैं आप नीचे पानी गंगा मैया का पूरा बोट पार्क डे यहाँ पे, जो दिन में फिशरमैन होंगे और भी जो लोग बोटिंग करते होंगे। एक कंप्लीट नदी है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा वाटर। यहाँ की अलग अलग मान्यताएँ, अलग अलग आस्थाएँ हैं काशी की। सबसे पुराने सभ्यता में भी माना जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, आई मीन व्हेन द सिविलाइजेशन स्टार्टेड, तो काशी वाज सिंस दैट टाइम। सो काशी इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन दिस प्लैनेट, यू कैन से नॉट ओनली इन द इंडिया। सो या लेट्स सी, हर हर महादेव, चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है 80 से नगवा मार्ग, पंचकोसी मार्ग। तो अभी डेढ़ बजे कितना बज गए, 1 बज गए हैं रात के, जब हम लोग इन कर चुके हैं बनारस। तो हमें इच्छा हुई 80 घाट जाने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, आपने मूवी में भी देखा होगा। क्या नाम है एक मूवी का, 80 मोहल्ला, वो भी काफ़ी फेमस था। इसके अलावा रांझना तो आप लोग देखे ही होंगे, धनुष का, वो भी यहीं पर शूट हुआ है। काफ़ी ऐतिहासिक जगह है बनारस, बनारस काशी जो भी बोल ले, भगवान शिव की नगरी है। तो लंका गेट एक है बहुत फेमस है, वो पीछे रह गया। अभी फिलहाल हम लोग 80 घाट की ओर जा रहे हैं। तो यही वही पुराना, जैसे कोई भी धाम जाओ या कहीं स्पिरिचुअल जगह जाओ तो जैसे घर होते हैं पुराने स्टाइल में, वही है। मोदी जी का इलाका है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, फैक्ट है वो बोलेंगे। रोड से उतना मज़ा आया नहीं जितना सोचे थे कि मोदी के संसदीय क्षेत्र में होगा। क्या काम धंधा हो रहा है मोदी जी जाने, लेकिन मज़ा नहीं आया इतना। मोदी भक्त हैं लेकिन फैक्ट्स को आगे रखेंगे, क्या बोलते समरेश भाई? मोदी भक्त हैं, चूतिया नहीं है, अंधभक्त नहीं है, कहने का मतलब।
तो चलिए आगे देखते हैं, अभी पूरा टूर कराते हैं आज हम रात में 1 बजे रात। पहली बार लगता है घूम रहा होगा इस तरह, कोई बेहुदा की तरह, वो भी फर्स्ट टाइम आ करके। देखिएगा आदमी मस्त एकदम नशा में चूर है, लगता है भोले बाबा का प्रसाद ले लिया है ये। तो ये रहा अस्सी घाट, बनारस का फेमस अस्सी घाट जो शायद बंद है अभी, बट यही स्ट्रेट है जो अंदर जाती है। आरती कहाँ होती है? पुलिस तो यही लोग आते हैं गाड़ी, और क्या। अरे सामने तो गंगा दिख रही है यार, देखिए घाट संध्या। अरे घाट संध्या यहीं पे होते आरती क्या? भैया देखो जरा, घाट संध्या है, आरती तो यहाँ नहीं होती ना। ये देखिए अस्सी घाट, बनारस का फेमस अस्सी घाट, ये एंट्री पॉइंट है यहाँ पे वाराणसी पुलिस। और ये अस्सी घाट है, पंडित जी लोग बैठते हैं यहाँ पे। अभी क्लोज्ड है शायद कोरोना की वजह से, चारों तरफ सन्नाटा है। हमारे साथ सिर्फ एक हमारे दोस्त है डॉगी भाई। ग्रीन गंगा कैफे एंड रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है अभी। हाँ यूटर्न कर लेंगे, श्री काशी विश्वनाथ धाम, अंदर बैरिकेड से प्रेस एंट्री बैंड है तो रोक दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? ये देखिए मंदिर है, जय शिव संभव, यहाँ पे एंट्री है बट अभी नहीं है अलाउड, लेकिन यहाँ पे वीडियो चल रहा है मंदिर के अंदर का, दिखाया जा रहा है मंदिर के अंदर का। तो प्रवेश निषेध, वैसे भी रात है 1:30 बजे, कौन घुसने। कुछ नहीं रहता, चलो चलो है आगे सही है रास्ता। क्यों बहुत आदमी है लोगों के बाहर, मतलब आदमी देखो ना भयानक आदमी है। ट्रेन चलने लगा क्या रे? ट्रेन चल ही रही है, चलने लगा मतलब।